गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल तो जी संडे का दिन है शाम के बज रहे हैं ठीक साथ और मैं हूँ तैयार मार्केट जाने के लिए तो आ, अभी मैं वंशिका के पापा के साथ मार्केट जा रही हूँ बच्चे दोनों जो है ना खेलने चले गए हैं जा रहे क्योंकि हमें लाना है पानी का मटका जो कि यहाँ पर रखा रहता था और टूट चुका था काफ़ी दिन पहले और उस दिन के बाद से हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो जब तक पानी का मटका रहता था ना तब तक बच्चे भी उसी से पानी पीते थे मैं भी उसी से तो फ्रिज का पानी का यूज़ बहुत ज्यादा कम हो गया था लेकिन अभी क्या हुआ मटका टूटने से फ्रिज के पानी का यूज़ हुआ और फ्रिज के पानी ने गले की तो बैंड बजा दी मेरा तो गला ख़राब हो ही गया है साथ ही साथ बच्चों को भी जो है ना कोल्ड होना शुरू हो गया है तो हम सोच रहे हैं कि इससे पहले की तबीयत ज़्यादा बिगड़े गले ही आते क्योंकि पते क्या है गर्मी इतनी है नल का पानी तो बिल्कुल ही नहीं जाता है मतलब आरों का पानी तो इतना गर्म आता है ना कि उसे पी नहीं सकते फिर वही घूम फिर के हम लोगों को फ्रिज में ही जाना होता है तो चलिए अभी वंशिका के पापा नीचे मेरा वेट कर रहे हैं हम चलते पहले मटका लेकर आते बस उसी टाइप का जो है अच्छा सा मटका हम लोगों को मिल जाए बाकी डिनर वगैरह की तैयारी जो है मैं घर आने के बाद करूँगी तो शेप। शेप। थी ना। आपे। आपे। तो जी हम लोग आ चुके हैं मार्केट से और ले आए हैं मटका जो कि बाहर रख दिया है और मटके के साथ साथ एक चीज और मैं लेकर आई हूँ आज और वो है ये छोटी सी हंडिया दही जमाने के लिए तो मिट्टी के बर्तन में दही बहुत अच्छी जमती है तो इसलिए मैं इसको ले आई फिलहाल हम लोग क्या करेंगे कि मटके में ना पानी भर के रख देंगे क्योंकि उसमें से ना एक स्मेल आती है अगर हम तुरंत पानी भर के पियेंगे तो आज रात उसमें पानी भर के रखेंगे और फिर कल तक उसकी स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। वो तो मटका दिखा देती हूँ आपको तो ये है मटका और ये जो मटका है ना ये हमें मिला है ढाई सौ में और ये जो हंडिया है ये मिली है हमें साठ रुपये में तो वहाँ पर जाके ना थोड़ी सी बार्गेनिंग करनी पड़ती है क्योंकि वो लोग रेट तो बहुत ज़्यादा बताएंगे आपको साढ़े तीन सौ चार सौ पाँच सौ रुपये तक भी बताते लेकिन वही है कि आप देखिए आप किस हिसाब से उनके साथ बार्गेनिंग कर सकते हो तो मेरे तो पति देव गए थे जो बार्गेनिंग करने में एक्सपर्ट हैं तो वो ढाई सौ रुपये में जो है वो मटका लेकर आ गए लिए अब जो है आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी रेसिपी तो यहाँ पर जो है मैं बनाऊँगी आज चने के कबाब तो ये बॉइल चने हैं जिनको कि मिक्सी में डाल लेंगे और उसके बाद जो है इसमें मैं कट करूंगी दो प्याज़ आपको ध्यान ये रखना है कि आपको इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है क्योंकि अगर आप पानी डाल देंगे तो फिर कबाब अच्छे नहीं बनेंगे उसके बाद अभी इसमें मैं दो से तीन हरी मिर्च ऐड करूँगी ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि बच्चे नहीं खाएंगे उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दो चम्मच चम्मच ड्राई रोस्ट किया हुआ बेसन तो इसको तवे पे मैंने भून लिया था और यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों का जो है मैंने अच्छा सा पेस्ट बना लिया है उसके बाद एक बड़ा चम्मच जो है मैंने ऐड किया है जिंजर गार्लिक पेस्ट और अब सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और अभी इसी बीच एक चम्मच जो है इसमें नमक भी डालेंगे तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं यहाँ पर बैटर आ, मुझे हल्का सा गीला लग रहा था तो मैंने वो जो ड्राई रोस्ट किया हुआ बेसन था वो और ऐड कर दिया है जबकि मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं इसमें ऐड किया था लेकिन फिर भी होता है ना कि थोड़ा बहुत पानी जैसे चनों में ही था तो उस वजह से थोड़ा सा ये गीला हो गया था अब हाथों में लगाया है थोड़ा सा घी और इस तरीके से ये जो हमारा मिक्सचर है उसको कबाब की शेप देंगे तो टिक्की कह लीजिए कबाब कह लीजिए तो इस तरीके से सारी जो टिक्कियाँ है, हैं कबाब हैं मैंने बना लिए हैं और ये लास्ट में ना एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा जो है पोर्शन बच रहा था तो मैंने उसके दो छोटे छोटे से जो है कबाब बना लिए तो देखिए इतने कबाब जो है बनके रेडी हैं अब आती है इन्हें शैलो फ्राई करने की तो बस यहाँ पर नॉन स्टिक जो पैन होता है वो मैंने ले लिया है उसमें सरसों का तेल डाला है आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं बट सरसों के तेल से जो टेस्ट आता है वो रिफाइंड ऑयल में नहीं आता है और सारे के सारे जो कबाब हैं वो मैंने इस ऑयल में रख दिए हैं और अभी जो है ना इन्हें दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक पकाएंगे फ्लेम अपनी मीडियम टू लो रखेंगे आप चाहे तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं लेकिन अगर आप डीप फ्राई करेंगे तो बहुत सारा ऑयल इसमें लग जाएगा और शैलो फ्राई में आपका ऑयल इतना ज़्यादा नहीं लगेगा तो यहाँ तरफ से जो कबाब है वो अच्छे से सीख गए हैं अब उसको जो है पलट लेते हैं दूसरी तरफ और दूसरी तरफ से भी जो है इन्हें इसी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से जो है कबाब सीख गए हैं एक बार और मैंने इनको जो है ना पलट दिया है और अब सारे के सारे कबाब मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में इतने ज़्यादा टेस्टी होते ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मार्केट में या किसी रेस्टोरेंट में जब आप यही कबाब लेने जाते हैं ना तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं और इस तरीके से अगर आप घर पे बनाएंगे तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और आप पेट भर के इनको खा भी सकते हैं अभी मैं क्या कर रही हूँ कि बच्चों के लिए कबाब रोल बनाऊंगी तो मैंने वही नॉन स्टिक जो मेरा तवा था उसको चढ़ा लिया है और चलते हैं रोल के प्रोसेस की और तो यहाँ पर आटा जो है मैंने गूँध लिया था अभी बड़े बड़े से मैं दो पराठे बनाऊँगी और ये रोल्स मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो कबाब रोल्स खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और इस तरीके से जब हम बच्चों को कुछ नया बना के देते ना तो वो खुश हो जाते हैं तो यहाँ पर ये नॉनस्टिक तवा थोड़ा सा बड़ा है और पराठे भी मुझे थोड़े बड़े बनाने थे इसीलिए मैंने इस वाले तवे का यूज़ किया है उसके बाद जो ये जो रोटी थी इसमें मैंने दोनों तरफ से जो है ना मक्खन लगाया है आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं लेकिन मक्खन लगाने से टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा आता है उसके बाद फिर इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेक से लेना है और इसी तरीके से जो है हम दो तीन और जो है बना के रख लेते हैं कबाब का जो मजा होता है ना वो चटनी के साथ आता है हरी चटनी के साथ लेकिन मैंने चटनी नहीं बनाई क्योंकि मेरे पास ना ही पुदीना था ना ही धनिया था लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कबाब बनाऊँगी तो ये ग्रीन चटनी ज़रूर बनाऊँगी क्योंकि उसके साथ खाओ तो इनका मज़ा ही अलग हो जाता है अच्छा यहाँ पर रोल बना रही हूँ मैं तो कबाब मैंने एक लिया है उसे अच्छे से जो है ना रोटी के ऊपर फैला लिया है मतलब आ, थोड़ा सा मिक्स कर दिया है अब इसमें ऐड करेंगे म्योनीस और ये देखिए इस तरीके से इसको बंद कर देंगे तो पहला रोल तैयार है ये वेदांश के लिए है क्योंकि वो जो है प्याज नहीं खाता है अच्छा दूसरा रोल मैं बनाऊंगी वंशिका के लिए क्योंकि वो प्याज खा लेती है तो इसमें मैं प्याज भी डालूंगी और इसमें आप टमाटर भी डाल सकते हैं तो आ, मतलब प्याज वगैरह जितनी ज्यादा चीजें आप डालेंगे उतना ही ज्यादा टेस्टी होता है तो फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं मैंने बस यहाँ पर थोड़ा सा प्याज डाल दिया है और ये देखिए रोल बन बिल्कुल रेडी है बाकी का जो रिव्यू है आपको बच्चे देंगे वेदू कैसा हो रहा है वंशिका वेदांश को पसंद आया मंशी का तो सब्जी खा लेती है ना वेदांश थोड़ा सा नखरे करता है ना वेदांश यम्मी हो रहा है वेरी गुड खा लो है डिनर के बाद का टाइम तो सबका डिनर हो चुका है बच्चों के लिए रोल्स बन चुके थे मैंने इन्होंने कबाब खाए थे और उसके बाद अभी तब मुझे अचानक से याद आया कि बाहर कपड़े भी हैं जो कि सूख चुके हैं और मैं अंदर लाना उन्हें भूल गई थी क्योंकि इवनिंग टाइम पे मैं इनके साथ ही चली गई थी वो मटका वगैरह लेने तो जैसे शाम को कहीं चले जाओ ना तो सारी चीज़ें मिस हो ही जाती है तो बस इधर जो है कपड़े ले आएंगे अंदर बाकी गर्मी बहुत बहुत ही ज़्यादा हो रही है न जाने बारिश कब आएगी बस अब तो वेट हो रहा है कि जल्दी से बारिश हो जाए बीच में तो यहाँ पर लग चुका है हमारा बिस्तर तो अब हम लोग सोएंगे और अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली मॉर्निंग में मंडे मॉर्निंग सुबह के बज रहे हैं ठीक साढ़े छः सबसे पहले जो है मिल्क बास्केट से मैं सामान अंदर ले आती हूँ तो आज जो है वंशिका के पापा को ऑफिस जाना है तो उनको टिफ़िन देना है और रात को ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे नेक्स्ट डे क्या बनाना है तो उसी के लिए जो है कुछ चीज़ें नहीं थी मेरे पास घर पर तो वो मैंने नाइट में ही ऑर्डर करा ली थी तो यहाँ पर सब्जियाँ आ चुकी हैं क्योंकि आज मैं बनाऊँगी इडली सांभर और चटनी तो सबसे पहले तो वही अपना जो एक से दो ग्लास में सुबह उठ के गर्म पानी पीती हूँ लेमन हनी वटर वो मैं पीऊँगी उसके बाद जो है मैं अपने नाश्ते की तैयारी करूँगी तो बस थोड़ा अपना वो 10 15 मिनट का टाइम निकाल के मैंने ये जो पानी है वो खत्म कर लिया है उसके बाद किचन की तरफ चलते हैं तो गाजर नहीं थी मेरे पास और लौकी भी नहीं थी सांभर बनाने के लिए तो ये दोनों चीजें मैंने नाइट में ही मंगवा ली थी और साथ में धनिया अच्छा गाजर ना मैंने जो कटी हुई गाजर आती है वो मंगवाई थी कि तरीके से आप मतलब कटी हुई सब्जियां भी मंगवाते हैं ना मिल्क बास्केट से तो वो बहुत अच्छे से जो है पैकिंग होके आती हैं बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि दी आप मिल्क बास्केट से कैसे ऑर्डर करते हो तो मिल्क बास्केट की एक ऐप होती है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके शहर में भी वो डिलीवर करते होंगे सामान या नहीं करते होंगे क्योंकि अभी बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ ये वाला सामान डिलीवर नहीं होता है तो सिंपल से आप प्ले स्टोर से जो मिल्क बास्केट की ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं उसके बाद वो खुद ही बता देंगे अगर आपके लोकेशन में वो चीज़ें डिलीवर करते होंगे तो कर देंगे अदरवाइज़ नहीं करते होंगे तो वो आपको वहाँ पर बता देंगे इधर सारी सब्जी मैंने कट कर ली है दाल भी धो दी है बस अभी जो है सांभर की तैयारी मैं कर रही हूँ तो सारी सब्जियाँ इसमें कट कर करके मैंने डालनी हैं और इडली सांभर की रेसिपी आप लोगों के साथ पूरी डिटेल में मैं शेयर नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार कर चुकी हूँ और अभी जो है थोड़ा सा जल्दी भी थी क्योंकि इडली सांभर बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है से पहले मैंने सूजी को जो है भिगा दिया था लस्सी में और अभी जो है सूजी भी भीग चुकी है 20 से 25 मिनट हो चुके हैं अब जल्दी से इसमें एक पैकेट इनो का डाल लेते हैं तो जैसे पूरा पैकेट सूजी का था तो मैंने हाफ जो है यूज़ किया है आधा पैकेट जो सूजी मैंने भिगाई थी उसमें मैंने यूज़ किया है आधा लीटर ही बटर मिल्क अमूल का जो छाछ आती है प्लेन उसका यूज़ किया है तो सूजी बहुत अच्छे से भीग चुकी है अब इसको जो है ये जो हमारा इडली स्टैंड है इसमें डाल देते हैं उसके इडली वगैरह चढ़ाने के बाद फिर मैंने जो है चटनी की तैयारी की है और चटनी तो सेम अभी जो है कल के व्लॉग में भी, भी मैंने आपको बताई थी तो सेम वही चटनी बनती है इडली में भी तो ये देखिए यहाँ पर लगा दिया है पतिदेव का टिफ़िन तो आज का टिफिन भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है देख सकते हैं आप चटनी है सांभर है और साथ में इडलियाँ है तो पतिदेव यहाँ पर जाने लगे हैं ऑफिस और बच्चे अभी भी नहीं उठे थे तो बस ये ऑफिस जाएंगे और इसके बाद मैं करूँगी अपने घर की क्लीनिंग और बस इसी के साथ अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करूँगी तो ये था वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा मैं आपसे मिलती हूँ हूँ अपने अगले वीडियो में तब तक ले बाय एंड टेक केयर